हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए फिर से वही IRCTC के IPO का अपडेट लेके आया हूँ। आज लास्ट डे था, शायद आपने अप्लाई किया होगा, आपने सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए ये मैं कहूँगा कि एक शॉकिंग न्यूज़ होगी कि ये IPO 111 गुना से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 112 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 112 गुना सब्सक्राइब होना मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों से इतना बड़ा IPO मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के सेंचुरी मार गया, सेंचुरी से भी ऊपर 111 गुना। यहाँ पे मयंक अग्रवाल जी ने डबल सेंचुरी मार दी, यहाँ पर IRCTC ने बड़ी सेंचुरी मारी है, 112 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपने इस IPO में अप्लाई किया? क्या आपने इस IPO में सब्सक्राइब किया? इवन मैंने 3 बजे के आसपास भी आपको अपडेट भेजे थे, 2:45 बजे के आसपास कुछ पोस्ट करी थी YouTube पे कि हाँ भाई 50 गुना हो गया, 60 गुना हो गया, 70 गुना हो गया, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे का कि हम लास्ट मौके पे सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले जब मैंने इसके वीडियोस बनाए थे जिसमें डिटेल्स एंड ऑल बताई थी, तो मैं यही कह रहा था कि 12 बजे के आसपास लास्ट रहते, देख लीजिए, अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन हो रहा तो बिल्कुल कीजिए। और ऑल्दो ये IPO तो हॉट IPO था, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो कितने लॉट आपने सब्सक्राइब किए कमेंट के थ्रू फटाफट बताइए अपनी एक्साइटमेंट, क्योंकि खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा जिसने भी सब्सक्राइब किया अभी के टाइम पे। अब बात आती है अलॉटमेंट की, अगर उन लोगों को अलॉट होगा तो उनकी खुशी डबल क्या 100 गुना हो जाएगी उनकी खुशी, क्योंकि अब लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा होने वाला है। लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा, बहुत बड़ा से मेरा मतलब है अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर जो IPO HDFC AMC का सब्सक्राइब हुआ था जबरदस्त, उसमें ही ऑलमोस्ट आपको ये मान के चलिए 800 रुपये पर शेयर की कमाई हुई थी। ये मुझे लगता है कि 310-320 से 500 पार जाने वाला है, 500 कहीं ना कहीं देखिए 500 या 600 के लेवल पे जाने वाला है ये इसका लिस्टिंग गेन। खुद देखिए आज का सब्सक्रिप्शन पहले देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो देखिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है जीरोधा का, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आगे से आपका IPO ऐसा IPO मिस ना हो जाए। ये देखिए सीधे अब बात आती है बिडिंग की, कितना सब्सक्राइब हुआ, 111 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ, 111.91 मैं सीधे इसको कहूंगा, अगर राउंड ऑफ करता हूं तो 112 गुना सब्सक्राइब, बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन। अब देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ये सबसे लेट एंट्री मारते हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि ये लास्ट डे पे 12 बजे के आसपास एंट्री मारेंगे, और आज की डेट में सबसे लास्ट में इन्होंने एंट्री मारी है। जब ये सबसे लास्ट में एंट्री क्यों मारते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इनके पैसे की एक एक दिन की वैल्यू होती है, तो लास्ट डे पे, क्योंकि अब पैसा ब्लॉक हो जाता है, अब जब तक अलॉटमेंट नहीं होगी तब तक इनका पैसा ब्लॉक्ड है, तो इसीलिए सबसे लास्ट डे ये एंट्री मारते हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्यों एंट्री मार के रखें, क्यों पैसा को ब्लॉक करके रखें। अब NII की बात आती है तो NII सबसे ज़्यादा 354 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब एक शेयर के लिए 354 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, 354, कितनी बड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। रिटेल की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 15 गुना के आसपास है, मतलब रिटेल सेगमेंट का जो एक शेयर है 15 लोग तैयार हैं, तो मतलब मान के चलिए कि कितनी अलॉटमेंट होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज इतने ऑलमोस्ट 6 गुना तो एम्प्लॉयज ने सब्सक्राइब किया है, ये तो आपने देखा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन। अब मैं NSE BSE की तरफ जाता हूँ तो देखिए किस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशन, या फिर मैं कहूँ टोटल 1 करोड़ शेयर्स थे, ये कितने करोड़ शेयर्स थे, 1 करोड़ शेयर्स थे जहाँ पे सब्सक्रिप्शन आना था, होना था, लेकिन कितने हुए हैं टोटल 1 करोड़ के लिए, ऑलमोस्ट QIB अगर देखूँ मैं BSE पे तो 55,95,36,320 एप्लीकेशन आई है 1 करोड़ शेयर्स के लिए, तो मतलब ये ऑलमोस्ट 56 टाइम्स सब्सक्राइब यहाँ पे QIB ने किया, जिसमें FII ने ऑलमोस्ट देखिए 13,10,00,000 तो FII हैं, और डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 27 करोड़ हैं, 7 करोड़ या ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, अदर्स भी यहाँ पे 8 करोड़ के आसपास हैं, तो बहुत जबरदस्त पैसा लगाया गया है IRCTC के IPO पे। अब बात करते हैं NII की, NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि इंडिविजुअल, जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे इनके लिए 30,00,000 शेयर थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई 65,90,00,000 के आसपास, 219 गुना सब्सक्राइब, एक शेयर था लोग आ गए 219। अब देखिए कैसे बटेगा अब ये, वो तो किस्मत के ऊपर है भाई।
अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात करूँ, यानी कि आपके और हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का 70 लाख शेयर्स इनके लिए थे, ऑलमोस्ट 7 करोड़ लोग आए, और 7 करोड़ में से ये 10 गुना, 10.5 गुना है, मतलब एक शेयर के लिए 10 लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो मतलब आप खुशी मनाइए कि यहाँ पे एक शेयर के लिए 10 ही लोग हैं। अब 10 में से कितने लोगों को ये मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। अब वही बात मैं कह रहा था कि कट ऑफ प्राइस पे टिक मारिए। देखिए यहाँ पे 5, 5.5 करोड़ लोगों ने तो सही कर रखा है यहाँ पे, लेकिन 1 करोड़ 63 लाख जो शेयर्स के लिए है वहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे टिक नहीं मारा है, बिडिंग कर रखी है अभी भी। तो इस चीज़ को बार बार समझिए, अगर आईपीओ इतना बड़ा सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको सीधे कट ऑफ प्राइस पे एंट्री कीजिए। और इम्प्लॉयज़, इम्प्लॉयज़ ने बढ़िया यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गुना बीएससी पे सब्सक्रिप्शन मिला है। और इसके अलावा मैं अगर देखता हूँ एनएससी पे, एनएससी पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एनएससी पे आज सुबह तक सारे सारा ब्लैंक था, ये क्यूआईबी एंड ऑल। ये देखिए 52 गुना, ऑलमोस्ट 52 ही 53 गुना मैं कहूंगा, 1 करोड़ शेयर्स के लिए 52 करोड़ एप्लीकेशन, बहुत ही बढ़िया। या सब्सक्रिप्शन एफआईआई ने 12 करोड़ एफआईआई, 12 करोड़ एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड 8 करोड़, अदर्स 19 करोड़, भाई खूब सब्सक्रिप्शन। इवन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई के लिए 30 लाख के शेयर्स के लिए यहाँ पे 40 करोड़ एप्लीकेशन, यानी कि 134 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हुआ, 134 टाइम्स, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे एनएससी पे 70 लाख के लिए मात्र 3 करोड़ सब्सक्रिप्शन आए हैं, यानी कि 4 गुना, 4 से 4.25 गुना रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इंप्लॉयज की बात करते हैं तो इंप्लॉयज में एनएससी पे बहुत कम, यानी कि 1,60,000 के लिए ऑलमोस्ट 2,93,000 है, मतलब यहाँ पे इंप्लॉयज को मिल जाएगा। मतलब ये देखिए ओवरऑल, अब ये आपने ओवरऑल देखा आईआरसीटीसी का कैसा है, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन जा रहा होगा कि एनएससी में ये ऑलमोस्ट 47-48 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन बीएससी में 64 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल बीएससी में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब ये चीज तो ठीक है, लेकिन बात आती है अलॉटमेंट एंड ऑल, भाई कब अलॉट होगा, मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया, मुझे रिफंड कब मिलेगा, लिस्टिंग कब होगी, और कितना ये आगे जा सकता है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी डिमांड यहाँ पे इस आईपीओ के लिए थी, और आईपीओ का प्रचार प्रसार यानी कि प्रमोशन आप देखिए हर जगह न्यूज पे इधर उधर हर जगह आपको ये मिलने लग गया था कि भाई आईआरसीटीसी का आईपीओ आ रहा है। अभी भी मैं कहूंगा अगर आपने अप्लाई किया तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कितने लॉट किए हैं, और आपको जब मिलेगा तब आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ये देखिए अब डिटेल देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 320 का था रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक फायदा था कि 10 रुपये का डिस्काउंट था, तो उसको 310 रुपये में मिला था, 12,400 रुपये का एक लॉट था, 40 शेयर्स का पूरा मार्केट लॉट था। अगर मान के चलिए यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि ये शेयर 500 से कहीं ऊपर जाके लिस्ट होगा, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन जो सेट कर रहा हूँ, मतलब कि ये एक्सपेक्टेशन है 500 से ऊपर ही जाएगा, यानी कि आपको मतलब कम से कम 500 की लिस्टिंग तय करके चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। और अगर 500 की हम लिस्टिंग करते हैं तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 190 रुपये का यहाँ पे सीधे सीधे 190 रुपये पर शेयर की कमाई है, यानी कि अगर उसको एक लॉट पे कमाई होती है तो 19 छक्को कितना होता है 76, यानी कि 7,600 रुपये का आपको सीधे सीधे 10 दिन का जो ब्लॉकिंग पैसा है, अगर आपको एक लॉट अलॉट होता है तो 7,600 रुपये की कमाई 10 दिन के अंदर। क्या बुराई, ना आपका पैसा कटा, खाली ब्लॉक हुआ है, कटा नहीं है। अब बात आती है कि कब ये अलॉटमेंट एंड ऑल डिटेल आएगी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अक्टूबर 9 को फाइनलाइजेशन है, जो डेट यहाँ पे मुझे दिख रही है, रिफंड जो है अक्टूबर 10 को आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको फाइनलाइजेशन का मैसेज आ गया तब तो बढ़िया, जब आपको शेयर अलॉट हो गया, लेकिन अगर आपको रिफंड का मैसेज आ गया तो आप ये समझ लेना कि आपको शेयर नहीं मिला। दोनों में से कोई भी आपको मैसेज आ गया, रिफंड का मैसेज आ गया मतलब आपके पैसे वापस आ गए हैं, या रिफंड का मैसेज मतलब रिफंड तो खैर कट गया, अगर आपके पास पैसा कट गया तो बस ये समझ लेना कि आपको शेयर मिल चुके हैं, कट गया अगर आपका पैसा, क्योंकि अभी तो ब्लॉक हुए हैं, कटे नहीं है। लेकिन एक बार मैसेज आ जाता है ना फोन पे कि भैया योर अकाउंट हैज बीन डिडक्टेड विद दिस मच अमाउंट, तो आपको वो चीज़ ध्यान देखनी है। अब जो शेयर जो क्रेडिट होंगे वो अक्टूबर 11 को आपके पास आ जाएंगे, और आज की डेट 3 अक्टूबर है, 8-9 दिन के बाद 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग 14 अक्टूबर की यहाँ पे देखी जा रही है। चलिए मैं आपसे अब फिर से वही पूछूंगा कि क्या आपने यहाँ पे आईआरसीटीसी के आईपीओ में अप्लाई किया होगा, हुआ या नहीं,
अगर आपने अप्लाई किया है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, अपनी खुशी अपने तक मत रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया होगा, कितने लॉट अप्लाई किए। जनरली ऐसा होता है कि मैंने बार बार बताया था, पहले भी आपको गाइडलाइंस दी थी कि अगर आप IPO ऐसा कोई सब्सक्राइब होता है तो हर रिटेल इन्वेस्टर को अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक या दो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैसा ब्लॉक मत करो, अलग अलग डीमैट अकाउंट, अलग अलग पैन कार्ड हो तो ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट खोल के ऐसे IPO में बढ़िया कमाई का मौका होता है। अगर आपके, सोचिए आपने 10 अप्लाई किया उसमें से दो ही लग गए तो आपके सीधे सीधे 15,000 रुपये सेट कमाई जेब में, क्या बुराई। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी एक्साइटिंग है ये IPO का आज रेस्पॉन्स जो मिला। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।